नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियां, मुनाल समेत दीगे रेस्टोरेंट को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क एरिया में कई मोनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियों से मुतल्लक नजरसानी दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट, ला मुंताला, ग्लोरिया जी समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क एरिया में कई रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशन वापस ले ली, जबकि अदालत ने मोनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को किसी और मुकाम पर लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन भी वापस ले ली। फैसले में कहा गया है कि मोनाल रेस्टोरेंट, ला मुंताना और दीगर रेस्टोरेंट्स ने रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट खत्म करने की यकीन दहानी कराई है, लिहाजा यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक है। रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजरसानी दायर करना तौहीन आमेज है। सुप्रीम कोर्ट ने CDA को कहा कि इन रेस्टोरेंट्स को दीगर इलाकों में तरजीही बुनियादों पर लीज दी जाए। अदालत ने करार दिया कि किसी और मकाम पर रेस्टोरेंट्स की लीज में नेशनल पार्क एरिया के रेस्टोरेंट्स को तरजीह दे। फैसले में वादा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट लीज के अमल में तरजीह देने के अपने फैसले को हजफ करती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल किया जाए। वाज़ह रहे कि 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मारगला की खूबसूरत पहाड़ियों पर वाकया मोनाल समेत नेशनल पार्क एरिया से 3 माह के अंदर रेस्टोरेंट्स को मुंतकिल करने का हुक्म दिया था।